नमस्ते दोस्तों, इस छोटे से वीडियो के द्वारा हम आज ये बात करेंगे कि जो केमिकली अगर हम देखें तो फ्लैक्स और जो कॉटन है दोनों का जो पॉलीमर है वो सेल्यूलोज है, मगर फिर भी जो फ्लैक्स जो है वो ज्यादा जो है क्रिस्पर होता है, स्ट्रॉन्गर होता है और स्टिफर टू हैंडल होता है और रिंकल जल्दी हो जाता है बनिस्पत के कॉटन के। तो कारण क्या है? तो अगर हम देखें तो फिजिकली अगर हम बात करें जो फ्लेक्स जो फाइबर होता है वो कॉटन पॉलीमर से जो डिफर होता है वो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से है। यहाँ पे जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है फ्लेक्स का वो 18,000 है, तो फ्लेक्स के अंदर 18,000 सेलोबेसिस यूनिट्स होते हैं। जो फ्लैक्स पॉलीमर है ये 1800 nm लॉन्ग है, इसकी थिकनेस 0.8 nm है और देन दैट्स व्हाई इट मेक्स इट लॉन्गेस्ट नॉन लीनियर टेक्सटाइल पॉलीमर। द पॉलीमर सिस्टम ऑफ फ्लैक्स इज मोर क्रिस्टलाइन देन दैट ऑफ कॉटन बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्गर पॉलीमर सिस्टम। पॉलीमर्स ऑफ फ्लैक्स दीज स्पाइरल अबाउट ईच अदर एट अप्रॉक्सीमेटली 6 डिग्री ऑफ द फाइबर एक्सिस, देयर बाय कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द टेनेसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द फाइबर। द ग्रेटर क्रिस्टलैनिटी ऑफ फ्लैक्स फाइबर इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फैक्ट दैट दे आर स्ट्रॉन्गर, क्रिस्पर एंड स्टिफर टू हैंडल एंड टेक्सटाइल मटीरियल, रिंकल मोर रेडली देन दोज ऑफ कॉटन फाइबर। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप दैट दिस थिंग मस्ट बी क्लियर टू यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब इट मैक्सिमम। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।